महेश कुमार ध्रुव, छत्तीसगढ़ से आए सर। शादी करता हूँ और साथ में प्रैक्टिशनर हूँ मैं। हाँ, बी एम एस से आए सर। कान के समस्याएं, इसमें क्या है, कान में आवाज़ें आ रही थी और धीरे धीरे इसमें सुनने में हमको प्रॉब्लम हो रहा था और बढ़ रहा था। इसके जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले राइट कान से शुरुआत हुआ, फिर मेरे लेफ्ट कान में भी ये समस्याएं बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। अब तो ऐसा हो गया था कि मैं बहुत नहीं सुन पा रहा था और मेरे को मशीन मैनेज करके लगाना पड़ रहा था। मैं रायपुर में एंटी डॉक्टर उसमें दिखाया सर, उसने एक प्रकार का उसको टिनिटस, कान में आपका टिनिटस है और ये ऑपरेशन करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 60% आप सुन पाएंगे, लेकिन वो जो आवाज़ आ रहा है बंद नहीं होगा आपका और बढ़ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। इसे बोला आपके बारे में, मैं यूट्यूब में जब वो देख रहा था, जो परेशान था मैं, डॉक्टर लोग जब हाथ खड़े कर चुके थे तो एक प्रकार का दिमाग में था कि कहीं इसका निदान नहीं होगा, तो देख रहा था तो आपके वीडियो क्लिप जो है यहाँ का डीप केयर सेंटर अहमदाबाद का वायरल हो रहा था। कोई उसमें हमसे ज़्यादा उम्र का था, जो श्याम था एक, तो फेसबुक में वो वायरल हो रहा था, तो उसको देखा तो बिना ऑपरेशन और बिना कान बिगड़े हुए जन्म से, ऐसा उसमें सब बताया जा रहा था। वो खुद अपनी इंटरव्यू दे रहा था, तो लगा कि उनका कान बहुत दिन से और कुछ चीज़ जो है उनके जो बता रहे थे वो मैच खा रहा था मेरे से। तो मैंने बड़ा ध्यान से देखा तो कुछ समय के लिए तो वीडियो ही गायब हो गया फेसबुक से। तो फिर उसको टटोला, उस नीचे लिखा हुआ था उसको मैं टटोला, फिर ये डीप केयर सेंटर अहमदाबाद, फिर वो आपका जो जितने भी आप वीडियो जो बनाए थे वो सब निकल गया है। 3 घंटे पहले आपकी जो आवाज़ है वो तो सुन रहा था, लेकिन मैं अच्छे से उसको समझ नहीं पा रहा था और कम सुन रहा था, और मेरे जो पहले वाला जो पुराने इस कान है, तो आप ट्रीटमेंट कर रहे थे तो मैं कुछ बातें जहाँ बैठे थे उन लोगों को सुन रहा था। जब मैं ये कान बंद कर लेता था तो कान से सुनाई नहीं पड़ता था मेरे को, जब मैं ऐसे पलटा ना तो कान को बंद किया था और कान से मेरे को आवाज़, इन लोगों को बैठे थे आशुतोष थे और एक वकील साहब थे, उनकी आवाज़ मेरे कान में आ रहा था, इससे पता चला कि कान मेरे कहीं कहीं इम्प्रूव हुआ है। मैं इसको पहले तो खैर ऐसे अपनी उपयोग यूज नहीं किए थे, तो हमको इस चीज़ का मालूम नहीं था कि ऐसा भी होता है। और मैं तो कहूँगा कि वास्तविक में 3 घंटे में कान में एक दवा डाल करके कान की शक्तियों को बढ़ाना, ओनली टू एक हमारे कह जाए कि भारत में सिर्फ डॉक्टर सुराना जी हैं, प्रवीण सुराना जी, और वाकई में मैं सुराना जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा उन्होंने भटकते हुए और डिप्रेशन में जाते हुए लोगों के लिए कान की वजह से, कान में हम नहीं सुन, कान में नहीं सुन पाते तो पूरा जग ही सुना है, ऐसी मान के चलिए, ऐसी कई भाई बहन हैं जो इससे काफ़ी डिप्रेस हैं, उनके लिए एक वरदान है हमारे सुराना सर जी का जो ईजाद किए हुए जो दवा है वो बहरापन से निजात पाने की। जी आशुतोष, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ आया था, जितना मैं जानता हूँ तो थोड़ा सा डाउट मेरे मन में था, और मैंने सर से भी बोला था कि मैं जो है 50-60% उम्मीद लग रही है, 100% मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसके बाद मैं जो अपने आँखों से देख रहा हूँ इन 3 घंटों के अंतराल में, शौक के मैं भरोसा नहीं कर पा रहा कि ऐसा भी हो सकता है। और डॉक्टर साहब का वाकई में और आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं साथ में, बहुत ही बेहतरीन लगा कि जिस उम्मीद के साथ में आया था वो सॉली 100% यहाँ बात कर रहा है। बिल्कुल, एक उम्मीद जब लोगों की ख़त्म होती है वहाँ से शुरू अगर होती है तो इन्हीं यूट्यूब वीडियो की तरफ से, और डॉक्टर साहब का जब तक सुराना सर का तहे दिल से शुक्रिया, और सभी जो भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है, इस यूट्यूब से ये बात हमेशा हर जगह फैले, और जितने भी लोग कर्ण दोष से परेशान उनके लिए बहुत ही अच्छा 110% यहाँ पे जरूर था।